हाय बच्चों, आज की क्लास हमारी सीएचएस की जो क्लास चल रही है, सीएचएस क्लास सिक्स की दोस्तों, जो जनरल साइंस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे उसी की सीरीज में यह वीडियो हमारा है। इस वीडियो में आप लोगों को हम दो टॉपिक बताने वाले हैं। एक ये कि वनस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी वनस्पति का मतलब पादप, पेड़ पौधे, और एक टॉपिक है हमारा प्रमुख फल और फलों के खाने योग्य भाग। ये दो टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम कर देते हैं। बच्चों, यहाँ हमारी पहली टॉपिक है वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ विशेषता लिखी हुई है, एक तरफ नाम लिखा हुआ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटा विषाणु, विषाणु दोस्तों यानी वायरस, ठीक है, सबसे छोटा विषाणु मुख और खुरपका विषाणु, मुख और खुरपका विषाणु सबसे छोटा विषाणु है। उसके बाद है कि सबसे बड़ा विषाणु दोस्तों TMB यानी तंबाकू मोजैक विषाणु, और सबसे छोटा जीवाणु यानी बैक्टीरिया डाइलिस्टर, ये इसकी जो मतलब दोस्तों 2 माइक्रोम होता है, माइक्रोमीटर का ये सिंबल है, ये कितनी बार घूम गया, ये माइक्रो का सिंबल है, ठीक है, माइक्रोमीटर का। तो की जो लंबाई होती है कि कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जीवाणु दोस्तों बैगिया टोवा मिराबिलिस सबसे बड़ा जीवाणु है, ठीक है। आगे देखिए कि भारत का राष्ट्रीय फूल, बच्चों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है, क्या होता है, कमल, ये बात तो पता होगी। फिर भारत का राष्ट्रीय फल बच्चों आम होता है, क्या होता है, आम होता है। आगे देखिए कि भारत का सबसे छोटा पुष्प बच्चों बुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया पूरे विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। अब भारत का सबसे बड़ा पुष्प बच्चों रिफ्लेसिया आर्नोल्डी के लिए याद करिए रिफ्लेसिया, ठीक है। उसके बाद देखिए और सबसे बड़ा फल दोस्तों तो लोडोइसिया मालडीविका सबसे क्या है, बड़ा फल है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा बीज बच्चों ऑर्किड सबसे छोटा बीज है। उसके बाद सर्वाधिक चौड़ी पत्ती, मतलब पत्ती के भी कई आकार होते हैं, तो सभी पत्तियों में सबसे ज्यादा चौड़ी पत्ती दोस्तों बैक्टीरिया रेजिया, उस पत्ती का नाम बैक्टीरिया रेजिया है। उसके बाद सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव दोस्तों मतलब यूनिसेलुलर सबसे बड़ा एसेटिबुलेरिया, क्या है, एसेटिबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। पादप जगत के उभयचर मतलब दोस्तों पादप जगत के उभयचर कौन है, ये बायोफाइटा, कौन है, बायोफाइटा, ये पादप जगत का उभयचर यानी दोस्तों होते हैं जो जमीन पे भी रहे और स्थल पे भी रहे। उसके बाद पादप जगत का जोकर बच्चों माइक्रोप्लाज्मा का कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा ये जाता है कि सबसे छोटी कोशिका, तो बच्चों सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल बच्चों ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो स्पायरुलिना में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। स्पायरुलिना क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। उसके बाद देखिए हींग प्रदान करने वाला पौधा ऐसा कौन सा पौधा है जिससे हींग मिलती है, तो फेरुला फाइटिडा ये एक पौधा है जिससे हींग प्रदान होती है। मेहंदी बच्चों किससे मिलती है, लाउसोनिया इनर्मिस, दोस्तों जो हम लोग के घर में मेहंदी का पेड़ होता है उसका नाम क्या है, लाउसोनिया इनर्मिस। उसके बाद देखिए जो रुद्राक्ष प्राप्त होती है बच्चों इलियोकार्पस सेरिकस के पौधे से रुद्राक्ष प्राप्त होती है। ये था वनस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आते हैं कुछ प्रमुख फल और उन फलों के कौन से भाग खाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आम, आम का दोस्तों हम लोग मध्य फल वित्ति या फिर पुष्पासन खाते हैं, क्या खाते हैं, पुष्पासन, मध्य फल वित्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए नाशपत्ती का दोस्तों हम लोग पुष्पासन खाते हैं, दोस्तों यहाँ पुष्पासन फलवित्ती एरिल भ्रूणपोष वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको पता अगर मैं बता दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों ये सब चीजें रिप्रोडक्शन की है,
आप लोग अगर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन पौधों के, तो उसमें ही पता चलेगा कि कहाँ से फल बन जाता है और वही सब चीजें हैं। तो यहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। आप लोग बस केवल इतना जान लीजिए कि ये इस भाग का खाया जाता है, बाकी जब आगे बात आएगी तो बताइए। तो नाशपति का क्या खाते हैं हम लोग? पुष्पासन। लीची का हम लोग एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल। नारियल का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष। अमरूद का हम लोग फल भित्ती खाते हैं। पपीता का हम लोग मध्य फल भित्ती खाते हैं। मूंगफली का हम लोग बीज पात्र एवं भ्रूण ही खाते हैं। काजू का भी हम लोग क्या खाते हैं? बीज पात्र खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज पात्र खाते हैं। बैर का हम लोग बाह एवं मध्य फल भित्ती खाते हैं। बैर का क्या खाते हैं? बाह एवं मध्य फल भित्ती खाते हैं। अनार का रसीले बीज चोल खाते हैं। अनार का क्या खाते हैं? रसीले बीज चोल खाते हैं। अंगूर का फल भित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं? फल भित्ती। कटहल का दोस्तों सहपत्र परिदल एवं बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? सहपत्र परिदल एवं बीज खाते हैं। गेहूं का भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष। धनिया का पुष्पासन एवं बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पासन एवं बीज। शरीफा का फल भित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं? फल भित्ती। और सिंघाड़ा का बच्चों बीज पात्र खाते हैं। और नींबू का हम लोग रसीले रोम खाते हैं। क्या खाते हैं? रसीले रोम। देखते ना ऐसे रहता है कुछ तरह जाएगा। यहाँ देखिए तीन इधर भी लिखा हुआ है। बेल का हम लोग मध्य एवं अंत फल भित्ती खाते हैं। क्या खाते हैं? बेल का। टमाटर, टमाटर का फल भित्ती एवं बीजांसन खाते हैं। बीजांसन देखिए टमाटर के पौधे में फूल बना रहता है, वही फल बन जाता है। जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है बच्चों, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी कि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही बाद में जाके फल बन जाता है, वही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे अभी बताना आपको ठीक नहीं, इसलिए हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। शहतूत का हम लोग सहपत्र परिदल एवं बीज खाते हैं। तो दोस्तों ये दो टॉपिक जो थी आपका आज जनरल साइंस भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोग को जनरल साइंस समझ में आई होगी। अब उम्मीद है कल से हिंदी चलेगी। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। बच्चों अगर नहीं समझ में आया हो तो उसका भी आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है, लाइटिंग मतलब इतनी ज़्यादा, ऊपर से फैन भी नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।